हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पतंजलि बॉडी उपटन, जो एक पाउडर फॉर्म में आता है और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि उसमें बॉडी उपटन लिखा है। तो इसी के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी पैकेजिंग में आता है और इसको मैंने हाफ से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा बस में बचा है। ये 60 रुपीज़ का आता है, सिक पे मेंशन है पीछे और इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है। ये मैं आपको स्क्रीन में अच्छे से दिखा दूंगी। और इसका जो फॉर्म है पाउडर फॉर्म में आता है, आप रोज़ वाटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिल्क या हनी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर योर बॉडी टाइप। तो ये पाउडर फॉर्म में कैसा आता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये पाउडर फॉर्म में ये ऐसा आता है, पाउडर फॉर्म में येलो कलर का इसका अपीयरेंस रहता है और एकदम पाउडर फॉर्म में रहता है और थोड़े से ग्रैनुअल्स रहते हैं इसमें। ऐसा रहता है और इसको यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स है और इसमें से जो फ्रेग्रेंस आती है आपको कपूर की आएगी और बेसन की आएगी, ज़्यादातर आपको कपूर की आएगी, इसलिए ये आप बॉडी में यूज़ करें। और इसके इंग्रेडिएंट्स में भी कपूर मेंशन है, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट बता देती हूँ। चिरौंजी, उड़द दाल, मसूर दाल, जौ, पीली सरसों, सोयाबीन, चावल, बादाम, हल्दी और कपूर, लौंग इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें मेंशन भी हैं। तो अगर आप बॉडी में यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, ये आपको बहुत ही अच्छा मॉइस्चर लॉक करके देगा और एक ग्लो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इसको फेस पे यूज़ करने वाले हैं तो आई बेग नो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जलने लगता है आपके फेस में जाके। और आप इसलिए ट्राई भी मत करना, क्योंकि मैंने अपने ऊपर नहीं लेकिन मैंने ट्राई किया है मेरे फैमिली मेम्बर ने, तो उसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बहुत सारे रिव्यू भी आते हैं कि ये फेस के लिए नहीं है, इसलिए इसमें बॉडी मेंशन है, क्योंकि बॉडी आपकी सेंसिटिव इतनी नहीं होती जितना आपका फेस होता है। तो आपको फेस पे ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आप फेस के लिए अलग से बेसन लेके आप अपना पैक बना सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आप घर पर ही होममेड पैक बनाएं अगर आपको बेसन का बनाना है तो, और उपटन लगाना है तो उसके लिए आपको घर में ही अपना सब देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी फेस के लिए अच्छा रहेगा और आपको जलेगा भी नहीं। अगर आप ऐसा कुछ रेडीमेड ले रहे हैं तो बाहर से बिल्कुल भी अपने फेस पे कोई ट्रीटमेंट या बाहर से अपने फेस के लिए कोई भी ऐसा रिस्क ना लें। बेस्ट बिफोर है 12 मंथ्स, तो उससे ज़्यादा आप उसको यूज़ ना करें, ये तो जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर आप नहाने के टाइम यूज़ करें इसको। और ये बहुत ही अच्छी रहता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं रहता तो आपके फेस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होती है इसको लगाने के बाद, तो आपको बिल्कुल ये फेस में यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी एंड ये बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, वो उसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी उपटन आप यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में आपको ज़्यादा जल्दी सेंसेशन नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ेगा। आपको पैच टेस्ट यहाँ पे करना पड़ता है एल्बो के अंदर यहाँ पे, क्योंकि सेंसिटिव रहती है ये स्किन आपकी, तो यहीं पर आपको पैच टेस्ट करना है। अगर आप कोई सा भी प्रोडक्ट न्यू यूज़ कर रहे हैं और आपको एलर्जी जल्दी होती है या रिस्क आपको लगता है स्किन सेंसिटिव है, तो आपको ये सब करना ज़रूरी है पहले। और 12 आवर पहले, मतलब एक दिन पहले आप करें ये, जो भी टेस्ट आप प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो एक दिन पहले आपको करना है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।